श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि हमारे पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा उपाय बताए जा रहे हैं, वही वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, इसको सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह किस कारण के लिए हमें करना है, किसके लिए यह उपाय है। तो अगर आपका धन कोई ले लिया हो, जो आपका स्वयं का धन हो, वह वापस ना कर रहा हो, आपका व्यापार व्यवसाय उन्नति के रास्ते तक पहुंचता हो और फिर से गिर जाता हो, आप उन्नति उसमें ना कर पा रहे हों, तो इसके लिए और नौकरी के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए आपका कोई पैसा ना दे रहा हो, धन ना दे रहा हो, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। और उपाय में प्रमुख तत्व क्या है, वह है बेलपत्र का पेड़। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बेलपत्र का पेड़ आवश्यक रूप से चाहिए ही। कैसे करना है हमें यह उपाय, तो वो भी मैंने आपको 3 स्टेप में बताए हैं। आपको जैसा उचित लगे अपने अनुसार आप उसको कीजिए, आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ वृक्ष के यहाँ आपको जाना है और उसकी जड़ पर, अगर आप प्रतिदिन यह कार्य कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको यह कार्य करना ही है। बेलपत्र की जड़ में लाल चंदन को घिस करके एक कलश जल में लाल चंदन के कुछ छींटे, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, कुछ छींटे बेलपत्र के जल में आपको लाल चंदन के रखने हैं। और उसके बाद आपको इस जल को बेलपत्र के वृक्ष की जड़ पर सिंचन करना है। यह तो हुआ एक कारण। और इसी के साथ आपको क्या करना है कि जब आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं, तो आप क्या करें, जैसे आपने जल सिंचन कर दिया, उसके बाद बाबा भोलेनाथ का स्मरण करिए। स्मरण करने के बाद आप अपने सीधे हाथ यानी कि दाएं हाथ में एक घी का दिया, फूल बत्ती का फूल भर के आपको एक दिया लेना है, वह लीजिए। और उल्टे हाथ में यानी कि बाएं हाथ में तेल का दिया, फूल बत्ती का लीजिए, प्रज्वलित कीजिए। दोनों हाथों में आपको दीपक रखने हैं और दारिद्र्य दुख दहन श्रोत का पाठ करना है। पूर्ण भावना से, पूर्ण मन से आपको यह कार्य करना है, बाबा से विनती करनी है, प्रार्थना करना है। कम से कम 5 प्रदोष तक आपको यह कार्य करना है, बाबा चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर जरूर पूर्ण होगी। और इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, जब आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर आप कर सकते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही आप बेलपत्र के वृक्ष की ही जो नीचे मिट्टी होती है ना, उसी का एक शिवलिंग बनाएं, उनकी पूजा करें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी लेकर के आपको शिवलिंग बनाना है, और जैसे पूजा मैंने बताया है, आपको दीपक हाथों में रखकर दारिद्र दुख दहन श्रोत का पाठ करना है। आपके इन में से जो भी आप एक उपाय करोगे, जैसे भी करोगे, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मिश्रा जी ने हमें यह उपाय बताया है, आप हम सभी मिलके उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं आप सभी के को यह भी बता दूं कि यह उपाय मिश्रा जी ने हमें किस में बताया है, तो यह उपाय मिश्रा जी ने मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में भाग 5 में बताया था, जो कि आप खुद भी श्रवण कर सकते हैं। धन्यवाद भक्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और आपको किस कारण के लिए क्या उपाय चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।